Hi guys, welcome to my new video. This video is going to be second part of पहले वाला video, because उस video में तुम लोगों को share करा था about all those situations जो हम सबके साथ create हुई थी because of scoring very less marks in our CUET. तो I have been noticing बहुत सारे comments on my YouTube videos कि निकिता इतना कम स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, या फिर जिनके स्कोर बहुत अच्छे आए हैं 700 प्लस आए हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें उनका ड्रीम कोर्स मिलेगा या नहीं. एंड आई थिंक दे आर नॉट रॉन्ग. ऑफ कोर्स कट ऑफ हाई लो होता रहता है, एंड दिस टाइम मैनी पीपल आर सेइंग कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस साल शायद कट ऑफ डाउन जा सकता है बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश के मार्क्स हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं. व्हाट आई थिंक इज कि रादर देन कमेंटिंग ऑन हर चैनल कि हमारा इतना स्कोर आया ये कॉलेज मिलेगा या नहीं, इतनी टेंशन ना लेके, बिकॉज हो सकता है मेरी को जो नॉलेज हो वो थोड़ी सी कम हो और मैं उस हिसाब से तुम्हें बताऊं, और किसी और को नॉलेज उससे भी कम हो या ज़्यादा हो. चलो अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है और मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें हाँ LSR मिल जाएगा, एंड उसके बाद तुम्हें कोई और चैनल बता रहा है कि नहीं तुम्हें LSR नहीं मिलेगा, या कोई और बोल रहा है कि नहीं तुम्हें तो SRCC मिल जाएगा, तो तुम या तो मुझे गलत समझोगे या उस बंदे को गलत समझोगे कि इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं, सब लोग अलग व्यू से सोचते हैं, ठीक है. तो रादर देन कमेंटिंग ऑन हर चैनल प्लीज गो फॉर अ पर्सनल वन टू वन काउंसलिंग. हेयर आई एम इंट्रोड्यूसिंग ड्यूबडी फॉर देयर पर्सनल काउंसलिंग, वन टू वन काउंसलिंग वो लोग तुम्हें दे रहे हैं. कमेंट्स इतने भर जाते हैं कि मैं भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाती हूँ इतने सारे कमेंट्स देख के. कभी कभार किसी को थोड़ा सा गलत रिप्लाई मिल गया, मे बी मैं किसी और को कमेंट करना जा रही थी वो किसी और को चला गया, या फिर हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो इट्स लाइक अ ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें कभी भी पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है. एंड दोज हु आर इंट्रोवर्ट्स वो लोग तो कभी भी इतने सारे क्राउड में अपनी क्वेरी नहीं रख पाएंगे, राइट. आई वुड लव टू सजेस्ट यू गाइज ड्यूबडी का वन टू वन पर्सनल काउंसलिंग. वो लोग तुम्हें गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे तुम लोगों से, वो लोग तुम लोगों की सारी की सारी क्वेरीज को एक ही बार में क्लियर करेंगे. एंड येस, जैसे अभी तुम मेरा वीडियो देख पा रहे हो तुम वैसे ही उनसे लाइव कनेक्ट कर पाओगे. अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस, तुम्हें अगर लग रहा है कि मुझे मिरांडा हाउस मिल सकता है विच इज़ इन नॉर्थ कैंपस, बट यू फील लाइक कि चलो मिरांडा नहीं तो LSR तो मिल ही जाएगा, एंड अगर मैंने बोला कि नहीं यार तुम्हें मिरांडा नहीं मिलेगा LSR मिलेगा, व्हाट इफ मिरांडा की एक सीट तुम्हें मिल जाए, बट तुम मेरी बात सुनकर क्या करोगे, तुम लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर LSR रख दोगे, उससे तुम्हारे चांसेस बहुत डिक्रीज हो गए कि तुम्हें मिरांडा हाउस मिलेगा. इसलिए प्रोफेशनल्स से बहुत इंटेलिजेंट लोगों से तुम्हें काउंसलिंग मिलने वाला है. ज़्यादा स्ट्रेस देता है एंड खुद पे ही डाउट होने लग जाता है यार कि मे बी मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं हैं कि मुझे कोई कॉलेज मिल नहीं रहा. तो आई वुड लव टू सजेस्ट यू गाइज कि इस काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाना. नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि इतने कम स्कोर आ रहे हैं तो इस चीज़ को लेके बैठ मत जाना कि यार मेरा तो बहुत कम स्कोर आ रहा है, पता नहीं मुझे कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं. दोज नेगेटिव थॉट्स, प्लीज़ इन थॉट्स को अपने अंदर मत लाओ, इंक्लूडिंग मी. मेरे भी बहुत कम स्कोर आया, जितना एक्सपेक्ट करा था इट्स लाइक 200 मार्क्स कम, ऐसा कुछ हुआ है. तो आई वुड लव टू टेल यू गाइस, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो. अब जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, जैसे पहला हमारा मेन फोकस CUET था, जो हो गया होने दो, बस लेट इट बी, जो हुआ छोड़ो अब उसे. अब तुम्हारा टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा कॉलेज,
तो उसके लिए वो कॉलेज तुम्हें कैसे मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा बैठे बैठे ये स्ट्रेस है कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है. नहीं गाइज, यू नीड टू वर्क फॉर इट एंड अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को इतने अच्छे से बनाओ, अपना कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखो. LSR में जाना है तो LSR के सारे कोर्सेज फिल कर दो यार पहले, और अगर कोर्स मैटर करता है तो सारे टॉप कॉलेजेस जिसमें कोर्स अवेलेबल है उन सभी कोर्सेस को फिल करो, जैसे कि तुमने मेरी पहली वाली वीडियोस में देखा हो. तो आई होप तुम लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी एंड आई विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. तुम लोगों को तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिले एंड प्लीज स्ट्रेस लेना बंद कर दो गाइज. एंड इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया है तुम लोगों के बोलने पे, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ओवर देयर. ये रहा मेरा हैंडल एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.